दोस्तों अगर इंस्टाग्राम हैक होने से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी में 3 सेटिंग आप लोग कर लेना है, अदरवाइज आप लोग के इंस्टाग्राम हैक हो सकता है। तो आप लोग के क्या क्या सेटिंग करना है मैं सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग सेटिंग नहीं किए रहते हैं और आपका इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाता है। तो हैक होने से कैसे बचाना है, स्कैम होने से कैसे बचाना है, सारा कुछ बताना हूं। तो बने रहे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। इंस्टाग्राम ओपन कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, आपका इंस्टाग्राम आईडी सिक्योर करना है तो आप लोग यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाता है। ऊपर में दिख रहा होगा अकाउंट्स के ऑप्शन, इस पे आप लोग क्लिक करना होगा। अब जैसा ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला आप लोग का फोटो दिख रहा होगा, जो भी आपका आईडी है ये वाला आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस पे आप लोग क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को देख लेना होगा जितना भी आपका आईडी है यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि और अदर यहाँ पे आईडी नहीं चल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा, इस पे बैक आना है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप लोग के इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। यहाँ से आप लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे नीचे में आप लोग को क्लिक करना होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकआउट वाला पे क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। यहाँ पे आपका आईडी शो करेगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा फेसबुक आईडी। यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, आपका इंस्टाग्राम आईडी के सिक्योर करना है आपको, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी को क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। यहाँ पे आप लोग के 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला दिख रहा होगा पासवर्ड, दूसरा में दिख रहा होगा जीमेल के ऑप्शन, और तीसरा में यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप लोग के नीचे में दिख रहा होगा लॉक वाला ऑप्शन आप लोग के दिख रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला क्या बता रहा है, ये वाला मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग ऊपर में दिख रहा होगा पासवर्ड, आप लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या आप लोग दूसरा बदल के रख सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग के दिख रहा होगा जीमेल का ऑप्शन, आप लोग के जीमेल यहाँ पे ऐड करके रखना होगा। और तीसरा में यहाँ पे आप लोग क्या करना है, तीसरा में यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका ऐड करके रखना है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से करना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना, पहले यहाँ पे चेक कर लेना है पासवर्ड, पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। आप लोग यहाँ पे पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। पे मेरा पासवर्ड बनाया हुआ है, अच्छा तरीके से मैं बना के रखा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जीमेल भी आपका यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी आप लोग जीमेल यहाँ पे डाल कर रखेंगे वही जीमेल पे एक मेल आएगा, जो भी आपका इंस्टाग्राम आईडी का हैक करना चाहेगा इसी ईमेल पर एक मेल आएगा। तो आप लोग ये वाला सेटिंग कर लेना है, यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे बैक आना है, मोबाइल फोन नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाता है। यहाँ पे आप लोग के नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा अपडेट योर फोन नंबर, यहाँ पे आप लोग को अपडेट नंबर कर देना होगा। अगर आप लोग के यहाँ पे पुराना वाला नंबर होगा तो यहाँ पे आप लोग के हटा देना है, और जो अभी चला रहे नंबर वो वाला यहाँ पे डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पे आप लोग के नेक्स्ट वाला पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे मेरा डाला हुआ है तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, मेन सेटिंग यहाँ पे है, आप लोग के इंस्टाग्राम आईडी के सिक्योर करना है। तो यहाँ पे आप लोग के समझना होगा नीचे वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोल रहा है, तो इस पे आप लोग क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग के नीचे में जो सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक की जगह यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट मैसेज वाला पे क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई अभी नहीं करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से बैक आता हूँ। आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, आप लोग ये पूरा प्रोसेस कर लेना है तभी आप लोग की इंस्टाग्राम आईडी सिक्योर होगा। तो इस तरीके से आप लोग को 3 सेटिंग कर लेना है, अदरवाइज आप लोग की इंस्टाग्राम हैक हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से ये सेटिंग करना था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।